हेलो दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो है रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें हम 12 से रिलेटेड बीकॉम या यूजीसी नेट वो सारी जो वीडियोस हैं उन सब का पार्ट एक तरीके से कवर करेंगे। तो रेशियो एनालिसिस जब आप स्टार्ट करते हैं तो जनरली आपको बैलेंस शीट और पीएनएल की थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको पूरी करूँगा कोशिश कि सारा का सारा आपको पार्ट बता सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जब आप रेशियो एनालिसिस पार्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कौन से देखते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि चार टाइप के पढ़ते हैं हम, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो जिसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं, लिक्विडिटी को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, और इसके बाद होता है हमारा एक्टिविटी रेशियो, और लास्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो उसके अंदर भी पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं। जब हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जब हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ते हैं तो डेट टू टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस तरीके से बहुत सारे कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये सारे रेशियो आ जाते हैं। तो और भी अपन रेशियो पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर आप देखते हो उसमें एसेट्स लायबिलिटी का पार्ट आता है, क्योंकि तो जनरली जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी बताऊंगा या आपको टर्नओवर रेशियो वाले बताऊंगा एक्टिविटी वाले, तो उसमें सेल ये थोड़ा पार्ट आएगा, तो वो थोड़ा वो पीएनएल से रिलेटेड होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आप देख सकते हैं किसी भी और चैनल पर, तो आपको सारा पार्ट मिल जाएगा, नहीं तो मैं कभी ये कवर कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अभी हम रेशो समझा रहे हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि देखो मैंने एक फॉर्मेट ऐसे ही बना लिया है, ये कोई वो नहीं है रिवाइज शेड्यूल, बस समझाने के लिए है कि जब आप देखते हो तो आपको लायबिलिटी साइड पे तीन पार्ट, वैसे तो चार दिखते हैं पर मैंने तीन लिख लिए हैं, क्योंकि वो दूसरा पार्ट काम का नहीं होता, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट समझने के लिए। तो ये शेयर होल्डर फंड हमेशा क्या होता है, इंटरनल, क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये सारे आते हैं। फिर ये नॉन करंट और करंट लायबिलिटी है, ये होते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि जनरली आपको इनको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर डेट को, या आपकी लायबिलिटी मतलब एक ऑब्लिगेशन को बताते हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स हों एक तरीके से, मान लो कि नॉर्मली एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा के लिए, और करंट एसेट्स जो कि एक अकाउंटिंग ईयर से कम के लिए, और जनरली एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर मतलब बैलेंस शीट के बाद 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, एनकैश कर ली जाती है। करंट लायबिलिटी वो होती है जो कि नॉर्मली बैलेंस शीट के 12 मंथ के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की हो सकती है, कम की भी हो सकती है, वो बिजनेस की एक तरीके से प्रोसेसिंग टाइम होता है कि एसेट्स को वो रिकवर कितनी जल्दी कर रहे हैं, तो कम का भी हो सकता है। तो उसके अंदर ऑब्लिगेशन का अगर आप पे कर देते हो तो वो करंट लायबिलिटी होती है। तो आपको पता है कि जब भी आप याद रखना करंट असेट्स करंट, तो उसको आप शॉर्ट पीरियड के लिए देखोगे तो जनरली एक साल से कम के लिए। तो एसेट्स क्या होता है, रिसोर्स जिसको मनी में मेजर कर सकते हो। इसलिए जब आप पहले लिक्विडिटी रेशियो पार्ट करते हो तो उसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो आते हैं, क्विक को आप लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो भी कह सकते हैं। तो पहले हम करंट रेशियो की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसको कई जने वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर नहीं बोल रहा, वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्योंकि वो टर्नओवर तो एक्टिविटी में आता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो रेशियो अगर बोल दिया तो वो डिवाइड हो गया। तो रेशियो किसके लिए आता है काम, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, कंपैरिजन करने के लिए इंट्रा फर्म या खुद की पोजीशन देखने के लिए भी काम में आता है फाइनेंशियल, तो इसलिए काम आता है। तो इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को बता रहे हैं। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक रुपए की लायबिलिटी है करंट की, तो उसके लिए 2 रुपए की करंट असेट होनी चाहिए। ये एक फॉर्म है रेशियो का। तो आइए हम देखते हैं कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकते हैं। करंट असेट्स में देखो क्या क्या आती है, जो मैंने जनरली बोला, आप इसमें वैसे देख सकते हो रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से 6 टाइप की होती हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं आप जनरली देखते हो, फिर हम ट्रेड रिसीवेबल पढ़ते हैं, इन्वेंट्रीज पढ़ते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पढ़ते हैं, और अदर करंट असेट्स पढ़ते हैं। तो उसी का मैंने पार्ट लिख लिया, देखो कैश इन एंड कैश एट बैंक, या और भी जो चेक वैक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, डेटर्स जिनको आपने माल बेचा है, बीआर स्टॉक या इन्वेंट्री, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जनरली ये भी क्या होगा, आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या कुछ ऐसे जो कैश में कन्वर्ट तो नहीं हो रहे लेकिन नेचर के हिसाब से वो क्या हो गए, करंट एसेट्स बन गए। क्यों, क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया एक्सपेंसेस का, तो एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपको इनकम आपने कमा ली लेकिन मिली नहीं एक्रूड इनकम, आपने 1 साल से कम के लिए एडवांस या लोन दिया है किसी को, तो आ जाएगा।
करंट लायबिलिटी में क्या होता है, जो ऑब्लिगेशन मैंने बताया ये तो कन्वर्ट जो कैश में हो जाते हैं जनरली वो, और वो जो ऑब्लिगेशन आप एक साल के अंदर पे कर देते हो वो करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो क्रेडिटर मतलब क्या हो, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, जनरली जिनसे हमने खरीदा है वो कभी कभी क्या करते हैं हमसे बिल लिखवा लेते हैं यानी एक्सेप्ट करवा देते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाता है, बीपी बन जाता है। ऑब्लिगेशन बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बोल सकते हैं कि हमने जैसे सैलरी वेजेस एम्प्लॉय को पे नहीं करी या कोई भी एक्सपेंसेस जो पे नहीं करे और ड्यू डेट आ गई तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनकम हमें एडवांस मिल गई अगर हमने अभी तक कमाई नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जीरो बैलेंस के बाद भी बैंक से पैसा निकाल लिया तो हमारी ऑब्लिगेशन बन गई। किसी पर्सन से किसी फाइनेंशियल एजेंसी से हमने लोन लिया है वो आ गया। प्रोविजन शॉर्ट टर्म के, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाते हैं और याद रखना जैसे प्रपोज डिविडेंड आ जाता है तो ये आ जाता है, पर आप ये याद रखना कि इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसलिए नहीं आता क्योंकि वो डेटर में से लेस हो जाता है। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलोगे तो वो फिक्स असेट्स में ही आता है क्योंकि वहीं से लेस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अनक्लेम डिविडेंड अनपेड डिविडेंड ये सारा पार्ट करंट असेट्स करंट लायबिलिटी में आ गया है, तो इस तरीके से करंट लायबिलिटी में सॉरी आ गया है अनक्लेम डिविडेंड अनपेड डिविडेंड, ये सारा भी क्या होता है कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। फिर होता है अपना क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, जिसमें हम एसिड टेस्ट रेशियो जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं ऊपर लेते हैं लिक्विड एसेट्स और नीचे लेते हैं करंट लायबिलिटी यही पार्ट। तो अब आपने बोला कि सर करंट एसेट सुनी थी लिक्विड एसेट नहीं सुनी, तो लिक्विड का मतलब क्या हो गया, जनरली करंट तो जो होती है वो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड मतलब जो बहुत फास्ट कैश में कन्वर्ट हो जाती है यानी जल्दी से। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि लिक्विड एसेट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं या आप करंट एसेट्स में से क्या हटा सकते हैं तो बाकी सारी लिक्विड हो जाएगी। तो करंट एसेट्स में से आप ये आपकी लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, लेकिन स्टॉक ये लिक्विड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका कैश में फास्ट में कन्वर्ट हो, क्या पता आपका माल बिक ही नहीं रहा हो, इसलिए ये फास्टली कैश में कन्वर्ट नहीं होता, क्या पता आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे हो तो आपका स्टॉक पड़ा हुआ रह गया। इन्वेस्टमेंट कभी बेच सकते हो। एडवांस टैक्स प्रीपेड, इनसे कैश मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया है, इसलिए ये लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है। तो एडवांस पेमेंट एडवांस टैक्स ऐसे कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि एडवांस टैक्स भी अलग होता है और एक एडवांस पेमेंट भी बोल सकते हो आप। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम आपको मिल जाएगी तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस दिए हैं किसी को तो आपको कैश में जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि जनरली आपने एक दो महीने की उधार दी हुई है, किसी को माल बेचा है तो उससे आप उसको आपने एक महीने 15 दिन 2 महीने की उधार दिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये हट जाती हैं तो ये लिक्विड या क्विक एसेट्स का पार्ट बनती है इनका। हाँ, आइडियल रेशियो भी देख सकते हैं, जो आइडियल रेशियो होता है इसका 1:1, मतलब वही कि 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए जो लिक्विड असेट है, करंट नहीं लिक्विड, वो कितनी होनी चाहिए, 1 रुपए होनी चाहिए, यानी जल्दी आपकी नीड पूरी हो जाए और जल्दी आपकी लायबिलिटीज पे हो जाए जो करंट वाली है उसके लिए लिक्विड असेट्स कितनी होनी चाहिए, 1:1। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे देखो अगर मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है, इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा किस में जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, पहला बोलता है करंट इन्वेस्टमेंट 40, इन्वेंट्री 5। अब आप देखते जाइए करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट करंट लायबिलिटी और क्विक रेशियो का है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले हम ये निकालेंगे, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 करंट एसेट्स में, इन्वेंट्री 5,000, ट्रेड रिसेबल ये भी करंट एसेट्स में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी में, तो आप टिक कर दीजिए या आप CL लिख दीजिए करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी में, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी इसके अलावा जो है तो वो भी करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो जब आपको कुछ नहीं बोल रखा तो वो किस में जाएगा, करंट एसेट्स में, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है तो जनरली ये मान के चलते हैं कि हमने दिया है तो करंट एसेट्स में आएगा। टेंजिबल फिक्स असेट्स नहीं आती क्योंकि वो नॉन करंट एसेट्स में आती है, इसमें 5 टाइप की एसेट आती है, फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स, इस टाइप से आता है। तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो जो आएगा वो ये रहा, करंट असेट्स में, एडवांस टैक्स करंट असेट्स में। तो अगर आपने मेरी जो बात सुनी उसको आप टिक कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि करंट असेट्स टोटल जो बन रही है वो बन रही है 71,000 की और करंट लायबिलिटी आप देख सकते हैं आपकी 30,500, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड वेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी आपने ले ली है, चार चीज़ें, और करंट असेट्स में आपने ले ली है 7 चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। तो आपने एक जो चीज़ है वो टेंजिबल फिक्स असेट्स को छोड़ दिया और बाकी 11 में से 7 आपने करंट असेट्स और बाकी करंट लायबिलिटी में। अब आपका जैसे मैंने करंट असेट आपने निकाल लिया है कैलकुलेट करके, आप चाहे देख सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बताया कि इसका रेशियो तो आ ही जाएगा, इसका जो भी रेशियो है 71,000 और करंट लायबिलिटी आप देख सकते हो कितनी आ चुकी है 30,500, आराम से आप निकाल लीजिएगा, उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा ये 2.33:1, ठीक है। तो एक साउंड पोजीशन को डिनोट कर रहा है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये रेशियो आ गया। अब हमें क्विक रेशियो बोल रखा है यानी क्विक असेट्स, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लिक्विड एसेट निकाल लीजिए। तो करंट एसेट्स में से आपको ये लेस करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, 71 में से आपके पास जो दिख रहा है वो क्या क्या दिख रहा है, एक तो सेकंड नंबर पे अगर आप देखो तो आपको स्टॉक दिख रहा है, फिर आप इसके बाद आगे बढ़ते गए आपको प्रीपेड दिखा, और इसके बाद आप देखोगे तो आपको क्या दिख गया, एडवांस टैक्स भी दिख रहा है लास्ट नंबर पे। तो ये टोटल मिला के आप देख सकते हो कितना हो गया 15,000। तो 71 में से 15,000 लेस करोगे तो कितना आएगा 56। तो अब आपकी करंट लायबिलिटी तो कितनी है 30,500 ही है, ऊपर जो आ जाएगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये कितना निकल के आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप, तो ये 1.84:1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका नॉर्मल केस चलता रहता है। हाँ, एक और चीज़ याद रख लेना, कभी कभी आपको जैसे डिविडेंड पेबल ऐसे भी बोल देता है, टैक्स पेबल, तो वो करंट लायबिलिटी में, आपको बोलता है लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन, वो किस में है, करंट लायबिलिटी में, लेकिन आपको बोलता है लायबिलिटी फॉर डेफर्ड टैक्सेशन, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन करा नहीं सकते ना इस पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और हमको समझाना पड़ता है टॉपिक थोड़ा थोड़ा। तो देखो लायबिलिटी फॉर डेफर्ड टैक्सेशन किस में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में, क्यों, क्योंकि डेफर्ड टैक्सेशन यानी लायबिलिटी ऐसी जो टैक्सेशन वाली थी वो करंट से रिलेटेड नहीं है, वो आगे के लिए वो रोक के रखी गई है, तो इसलिए वो किस में जाएगी, नॉन करंट में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पार्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं एक और इलस्ट्रेशन पे या एक और क्वेश्चन पे, जैसा आप समझे, जिसमें आप कुछ पार्ट कवर कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बोला कि ये होती है टोटल एसेट्स, तो इसके बराबर ये हो जाएगी टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। ये नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, टोटल डेट भी बोलते हैं, लेकिन टोटल डेट और शेयर होल्डर फंड मिला के क्या बन जाती है, वो टोटल लायबिलिटी बन जाती है, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट बन जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बोलता है कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टोटल एसेट्स, फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, ये चार पार्ट आपके पांच पार्ट दे रखे हैं, 8 लाख, 540, 1,10,000, 6 लाख और 80,000। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं। अब आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 8 लाख और आपको निकालना है करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर आपको टोटल एसेट दे रखी है, उसके नीचे आपको फिक्स एसेट दे रखी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था कि वो नॉन करंट एसेट में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ही आप ये हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स, समझ गए। तो आप 8 लाख में से, तो आपको बस थोड़ी अप्रोच लगानी है, आपको दिमाग लगाना है कि भाई टोटल एसेट्स है उसमें नॉन करंट हटा दो तो बाकी क्या बन जाएगी आपकी, करंट। तो 8 लाख में से आपने 540 और 1,10,000, तो ये समथिंग 8 लाख में से 650 गया, तो बाकी कितना बचा आपके पास, 150। इस तरीके से 150 का पार्ट अब आप देख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज देखो तो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, देखो अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया और नॉन करंट लायबिलिटी दे दी,
तो आप ये देख सकते हैं टोटल एसेट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, टोटल लाइबिलिटी, तो किसके बराबर है, 8 लाख के बराबर। तो अगर आपको टोटल लाइबिलिटी दे दी है तो आपको पता है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी आपकी कितनी है, 8 लाख। उसमें से दोनों पार्ट जो आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन के साथ, यहाँ मैंने रख रखे हैं, यानी यहाँ पे मैंने पिक दिखा रखी है, तो आप देख सकते हैं 8 लाख में से मैंने शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दी, क्योंकि देखो टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 8 लाख, तो टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर। टोटल लाइबिलिटी में अगर आपने शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी आपने हटा दिया, मतलब 680, तो बाकी कितने बचे, 1,20,000। तो अब आप देख सकते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब 150 अपॉन 120। यह फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा आंसर 1.25:1, मतलब 1.25 आपका आ चुका है। इस तरीके से आपका कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्विक क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 30, करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशियो यानी एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है लिखा हुआ, अज्यूमिंग इन्वेंट्री 26,000। तो ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसको आप कैसे कवर करते हो, आप पहले ये देखो कि अगर आपने कोई आपको रफ में पहले उतार के देख लो कि ये करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो ये 30 दे रखा है, अब आपको ये दोनों मिसिंग है, लेकिन उसका आप हिंट देखो, यानी उसकी पड़ताल करो, चेक करो कि भैया क्या गलत है या क्या बना सकता हूँ मैं सही। तो आपको पता है कि करंट लाइबिलिटी 1 है तो करंट एसेट कितनी है, 2.5 है। तो अब आपको करंट लाइबिलिटी भी नहीं पता, करंट एसेट भी नहीं पता, इधर भी नहीं पता, लेकिन एक आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर इसको आप x बोलते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2.5x, मतलब ये ढाई गुना है, क्योंकि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का कितना है, ढाई गुना है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी 1 है और करंट एसेट्स 2.5 है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जब भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं क्या बोलता, ये नहीं लिखता, मैं बोलता लेट करंट लाइबिलिटी बी एक्स, क्योंकि आपको उसके बाद तो फॉर्मूले रट जाते हैं या एक तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसलिए करंट एसेट दे रखी है तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x, ढाई गुना हो गया। अब ये जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये नीचे आप फॉर्मूला लिखते हो और आप लिखते हैं 30,000। करंट एसेट्स कितनी आ गई आपकी, 2.5x, और करंट लाइबिलिटी कितनी है, x। तो आप देख सकते हैं कि ये 1.5x और ये 30,000, तो जो x है वो कितना आ जाएगा, 30,000 अपॉन नीचे डिवाइड होके 1.5 आ जाएगा, मतलब 20,000 आ गई मेरी, कितनी आ गई मेरी, 20,000 मेरी आ गई करंट लाइबिलिटी। अगर मेरी 20 करंट लाइबिलिटी है तो आप करंट एसेट्स देख सकते हैं कैसे भी निकाल सकते हैं, 2.5x है तो 2.5 × 20 = 50। या आप दूसरे पार्ट से भी देख सकते हैं, देखो करंट असेट्स कैसे निकाल सकते हो, देखो 30,000 आपको वर्किंग कैपिटल है, करंट लाइबिलिटी आपने निकाली हुई 20, इसको इधर लेके चले हो तो 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50, ये भी निकल के आ गया। अब आपको निकालना है क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो कैसे निकालोगे, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड असेट्स, तो आपको करंट असेट्स फटाफट पता है 50, उसमें से आपने स्टॉक 26 हटा दिया, करंट लाइबिलिटी आपको पता है कि आपने कितनी निकाली थी, 20, तो देख लो कितना आ जाएगा, 24/20, मतलब 1.20:1, ये देख सकते हैं अपन, हाँ तो अपना बिल्कुल सही पार्ट आया 1.20:1। तो नॉर्मल मैंने आपके सामने अभी निकाला करंट में ही, वैसे ही आप भी क्वेश्चन कोई भी फास्ट कर सकते हो, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इतना पार्ट तो थोड़ा सा आपको कवर करा दिया, और आगे भी मैं अगले वीडियो में बाकी सारे रेशियोज कवर कराते रहूँगा।